ट्रैफिक फुल ऑन हो चुका है यार, फुल ऑन ट्रैफिक स्टार्ट। लेट हो गया यार निकलने में, सच में लेट हो गया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और सभी बड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। यार घर से निकलने में लेट हो चुका हूँ, 8:46 हो गए, मैं निकला था 8:43 पे। बस यार व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और थिएटर तक पहुँचना है मेरे को अभी तो। चलो अभी तक तो अपन इजीली मूव कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब मुश्किल से अपने पास में 10 मिनट पड़े हैं और है ना किलोमीटर रह गए हैं काफी। मतलब लोगों को 9 बजे भी रेड लाइट नहीं फॉलो करनी होती है, चौराहे पे इधर से उधर बिना देखे लोग जाते हैं। सच में यार उन्हें देख करके इतना डर लगता है कि हाँ यार हम भले ही है ना 10 सेकंड बाद में निकल जाएं, चाहे हमारी ग्रीन हो रही हो। देख लीजिए सुबह सुबह बिरला मंदिर के नज़ारे और ये चौराहा बिरला मंदिर वाला। पर 4 किलोमीटर बचा है यार थिएटर, और सिर्फ है ना 5 मिनट मूवी स्टार्ट होने में बचे। मैं भगा नहीं रहा हूँ, मैं आराम आराम से जा रहा हूँ 60-70, जहाँ जहाँ बीच में मिल रही है जगह। लेकिन क्या है पार्किंग लॉट में भी तो जाके पार्क करनी है नीचे मॉल के अंदर, तो उसमें भी टाइम लगेगा, 3-4 मिनट आराम से खराब हो जाते हैं उसके अंदर। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। इतनी इतनी सी उम्र के अंदर इतनी बातें करना सीख जाते हैं ना ये, भीख मांगने की वजह से, माँ बापों की वजह। चलो जी आ गई अपनी ये डेस्टिनेशन, बस यू टर्न मार के यहाँ से नीचे से लेफ्ट से, और फिर मूवी के टाइम से 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो जी बस आ गए 4th फ्लोर के ऊपर और सीधे बस अब थिएटर के अंदर जा रहा हूँ मैं सीधा यहाँ से। सुबह भी काफ़ी लोग आए यार देखने शो के अंदर भी। ये देखिए लेडीज़ के अंदर और सबके अंदर अच्छा खासा क्रेज़ दिख रहा है केरला स्टोरी को लेकर के, और इस टाइम भी काफ़ी सारे लोग हैं यार, काफ़ी सारे लोग हैं इस टाइम भी। बाकी थिएटर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, ये काफ़ी ज़्यादा है। देखिए चलते हैं अपन, अपना ऑडी 2 है। चलो जी बच गए, अभी तो मूवी स्टार्ट ही नहीं हुई है। जस्ट अभी इंटरमिशन हुआ है यार, और अभी तक तो मूवी बढ़िया चल रही है, बढ़िया मतलब कि अभी तक तो ठीक लग रही है। बाकी तो क्या है मूवी ओवर होने के बाद में फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को रिव्यू बताऊंगा केरला स्टोरी, द केरला स्टोरी। ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികൾ നാട്ടിലുണ്ടാകും. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നതിലേറെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട്, പക്ഷേ ഈ സിനിമയെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു, എത്തേണ്ടതുണ്ട്. അറിയൂ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനപ്പുറം ഇനിയൊരു हमारी लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा हमें पिक्चर दिखानी चाहिए, और माँ बाप को ये प्रेरणा देनी चाहिए कि हमारे संस्कार क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे धर्म की जानकारी क्या है। ये माँ बापों को एक अंदर शिक्षा लेनी चाहिए, माओ को कि अपने बच्चों का दिमाग धर्म की मेन जो वर्क है वो पेरेंटल है। मेन पेरेंटल वर्क है, मेन काम जो है पेरेंटल ही एक तरीके से। इंडिया में किस चीज में क्या डिस्कशन इंडिया में बहुत बहुत एक्टिव नहीं है कहीं पे भी, आप रियलिटी पसंद है, रियलिटी है।
हम तो बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं, हम तो बनाने वाले को धन्यवाद देते हैं कि जो आप कितने स्टार देना चाहेंगी मैम इसको, कितने स्टार देना चाहेंगी? फाइव में से फाइव मैम। मेनली क्या है, देखो पेरेंटल वर्क ही है, हम लोगों की जो भी बिलोंगिंग्स होती है वो पेरेंटल वर्क ही है। अगर पेरेंट्स बचपन से क्योंकि बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चे उनकी शिक्षा देनी चाहिए। गलत क्या है, किसी किसी से हम हिंसा की शिक्षा तो दे नहीं रहे, हम तो खाली एक अपनी चीज को अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं। पर आजकल पेरेंट्स में एक वोट भी चलते ज्यादातर पेरेंट्स को तो बाहर गए, मेरा बेटा इस टीचर को देख के पेरेंट्स को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, घर का सभी बातें नहीं सिखा रहे, उनका जो कल्चर है वो नहीं सिखा रहे। और मैम वैसे भी हम किसी को एक्साइट तो कर नहीं रहे, हिंसा नहीं बढ़ा रहे, हम अपनी चीज को ही तो सिखा रहे कि जो अपनी चीज है वो कितनी अच्छी है, आप उसको देखो। हमारी चीज में हम कभी दूसरे की चीज बदलना ही नहीं चाहते, हम अपनी शिक्षा देखो। सनातन धर्म में हेट तो है भी नहीं, सनातन धर्म में हेट का है ये बताइए, फ्री कर देना चाहिए। नहीं अभी मैम ने शायद बोला था कि आप लोग दिखाएंगे मूवी, तो आप लोग दिखाएंगे, आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगी? तो आपके एनजीओ वगैरह कुछ मैम ये क्या है? नहीं जैसे मेरी खुद की एनजीओ है, तो अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए आप बताइएगा। हमारा पर्सनल है, पर्सनल हम लोगों ने ये सोचा है कि जो भी देखना चाहे, अभी हम नाम भी डालेंगे कि हम लोग हैं और सबसे बड़े हिंदू हैं, कोई भी लड़की के साथ भी गलत होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। मैं भी मैम को ये कह रहा था कि हम लोग एक्साइट थोड़ी करते हैं, हम तो खाली हम तो ये बोलते हैं मैम ऐसी हरकतें आत्मा को झंझोड़ती है। और मैम हैं ऐसे लोग बहुत सारे तत्व हैं। मूवी ओवर हो गई है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा, काफी सारी लेडीज वगैरह थी जो कि जागरण मंच से और अलग अलग एनजीओ से थी और हमारी माताएं बहनें थी, तो उन लोगों के जो भी आप लोगों ने है ना मतलब बातें सुनी सारी की सारी मन से निकली हुई थी और यही कहना चाह रही थी सबके सब कि अपने जो बच्चों को है अपने बच्चों को अवेयर करिए। और कहीं भी किसी ने भी ऐसा नहीं बोला, हेट तो कुछ भी नहीं दी किसी भी है ना, हमारी जो भी आंटीज़ वगैरह माताएं बहनें थी किसी ने भी कुछ हेट नहीं दिया, उन्होंने स्ट्रेट अवे एक ही चीज़ बोली कि यार अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को अपने धर्म के बारे में जागरूक होना चाहिए, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा। और आप लोग देखा भी होगा आप लोगों ने कि हाँ जी नहीं आप किसी और को हेट दो, नहीं हमारे सनातन धर्म में हेट देना तो है ही नहीं यार, कहीं भी नहीं है। बाकी मैं मॉल से निकल लिया हूँ, गाड़ी के पास चलते हैं अपनी ओ खड़ी। तो बस यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं यार, क्योंकि मैं वापस से जा रहा हूँ घर पे, कुछ काम है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक का ना देखा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल पे अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक इंसान की गाड़ी बंद हो गई थी, उनके साथ उनकी मम्मी भी थी और बहन भी थी, इस वजह से क्या है कि मैं साथ में लग गया उनके, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई एक डेढ़ घंटा लग गया था। तो बहुत अच्छे थे दोनों भाई थे, तो इस वजह से क्या है कि यार आपको जहाँ भी कहीं कोई दिखे ना यार, कोई दिखे कि नहीं आप हेल्प कर सकते हैं तो कर देनी चाहिए यार। मेरा तो कुछ गया नहीं, धूप में अपन एक डेढ़ घंटे खड़े हुए उससे क्या जा रहा है। तो बस मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द केरला स्टोरी देखने ज़रूर से जाएँ आप लोग और बड़ों का विशेष तौर से सम्मान करें।